फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. डेफिनेशन: फेजर्स आर टिपिकली रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज एरोज इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन. हेयर वी कैन सी दिस इज अ फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइनसॉइडल क्वांटिटी वेयर द लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर. हेयर वी कैन सी द लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन द एरो एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फेज एंगल. हेयर दिस इज कॉल्ड एज फेज एंगल एंड फेज एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. द स्पीड ऑफ रोटेशन इज ओमेगा एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई एफ. इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड. हेयर वी कैन सी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज काउंटर क्लॉकवाइज. द फेजर्स आर सिमिलर टू वेक्टर बट इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर एंड इट रोटेट्स इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हेयर वी कैन सी दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ रेफरेंस एक्सिस. द एंगल बिटवीन रेफरेंस एक्सिस एंड दिस एरो दिस इज द फेज एंगल. फेज एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड फेजर. हेयर वी कैन सी दिस इज अ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. इट मे बी वोल्टेज और करंट. इन दिस केस इट इज करंट. दिस आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और वी कैन से दिस इज द एम्पलीट्यूड. दिस इज अ फेजर. सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट. दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज द रेफरेंस एक्सिस एंड एज वी नो दैट फेजर रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दिस विल रोटेट इन दिस डायरेक्शन. सो हेयर दिस विल बी जीरो. देन एट दिस पॉइंट दिस विल बी पाई बाय फोर दिस वैल्यू. देन एट दिस वैल्यू और एट दिस पॉइंट दिस विल बी पाई बाय टू. सो दिस विल बी आई एम. सिमिलरली फॉर ऑल दी वैल्यूज. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड फेजर. दिस साइड इट इज अ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एंड ऑन दिस साइड इट इज अ फेजर. इट्स इक्विवेलेंट फेजर. लीडिंग एंड लैगिंग फेज डिफरेंस. हियर वी कैन सी देयर आर टू वेवफॉर्म्स वी ए एंड वी बी. दिस वी ए इज अ वोल्टेज वेवफॉर्म. दिस वी बी इज ऑल्सो अ वोल्टेज वेवफॉर्म. द इक्वेशन फॉर वी ए इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा. वेयर दिस वी एम इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज. दिस थीटा इज द फेज एंगल. फॉर वी बी द इक्वेशन इज वी बी इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा प्लस फाई. नाउ फाई इज द फेज डिफरेंस. नाउ इन दिस केस इट इज पॉजिटिव. वेन द फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव दैट टाइम वी बी लीड्स वी ए बाय फाई. हेयर वी कैन सी दिस वी बी इज अहेड ऑफ वी ए बिकॉज इट्स स्टार्टिंग पॉइंट और जीरो क्रॉस ओवर पॉइंट इज हेयर एंड द जीरो क्रॉस ओवर ऑफ वी ए इज हेयर. द डिफरेंस बिटवीन दिस टू जीरो क्रॉस ओवर इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस इज डिनोटेड बाय फाई. सो इफ दिस वी बी इज अहेड ऑफ वी ए देन दैट टाइम वी कैन से वी बी लीड्स वी ए बाय फाई. सो दिस इज द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. इन फेजर इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. नाउ हेयर वी कैन सी वी आर टेकिंग वी ए
as a reference, because here in alternating quantity, VA is starting from this point, this zero point. So that's why we are taking VA as a reference, and this VB is leading. So that's why it is on upper side. Here the phase difference is phi. In phasor diagram, it will be phase angle, and phase angle is represented by phi. So if the phase angle is positive, that time we can say that it is leading phase difference. So this is the concept of leading phase difference. Next is concept of lagging phase difference. Now again, here we can see there are total two waveforms. One is VA and another is VB. Now here in this case, VB lags VA by phi. Again, this phi is the phase difference. Now here we can see this VB is lagging, or it is behind VA. So that's why we can say VB lags VA by phi. This is the alternating quantity. Now in case of phasor, again we are taking VA as a reference, because VA starting point or zero crossover point is from here, is zero. So that's why we are taking VA as a reference. Now this time this VB is lagging, so that's why this will be on downside. In case of leading phase difference, that time this VB will be on upper side, because it is leading. And in case of lagging, that time it will be downside, like this. It is lagging by angle phi. This phi is the phase angle. Also in case of lagging phase difference, here we can see it is minus phi. That is, the phase angle or phase difference is negative. And in case of leading phase difference, this phi is positive. Here we can see this is a sine wave and this is a cosine wave. They follow each other by exactly pi by 2 radians or 90 degree apart. Here we can see this is a sine wave from the zero point to this, and cosine wave start from here. So they are exactly 90 degree apart. Then what is mean by voltages in phase? Again, here we can see there are total two waveform, VA and VB. So here we can see the zero crossover point is here. Again, the zero crossover point is here. So for both the waveform, the zero crossover point is same, but the amplitude of VA is more as compared to amplitude of VB. So here we can see in phasor diagram, the VA line is bigger than VB. VB is smaller because the amplitude of VB is small as compared to VA, but their zero crossover point is same. So that's why we can say that they are in phase. Also, this phase of VA and this phase of VB is on positive side or on upper side. So that's why we can say that these voltages are in phase. What is mean by voltages out of phase? Now here again there are two waveforms, and here this is the zero crossover point. Here is also this is a zero crossover point. So for both the waveform, the zero crossover point same, but VA and VB are out of phase, because here we can see
this phase of VA is on positive side and this phase of VB is on negative side. So that's why they are out of phase by 180 degree. Also, we can see that the amplitude of VA is more as compared to amplitude of VB. So here we can see in phasor diagram, from here, this point to this point, this line, this VA is bigger as compared to this point to this VB. This is smaller because the amplitude of VB is smaller. And here, the phase difference is 180 degree, or we can say it is phi. So that's why phi is equal to 180 degree or phi, 180 degree or phi. So that's why it is called as voltages out of phase. And in case of voltages in phase, here the phase difference is 0. So that's why it is called as voltages in phase.